हेलो, गुड मॉर्निंग सर। टेल ब्रोकर मॉड्यूल बेसिक का ट्रेनिंग का ये वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम रिपोर्ट्स देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने ब्रोकर वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम आपको जो दूसरा रिपोर्ट है कमीशन का, वो हम देखेंगे। तो कमीशन रिपोर्ट देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना है, फिर ब्रोकर रिपोर्ट्स में जाना है और फिर ये कमीशन वाले सेक्शन में आपको जाना है। अब इसमें कमीशन ऑन सेल्स भी है और कमीशन ऑन रिसीव भी है। अब सबसे पहले हम कमीशन ऑन सेल्स देखते हैं। अब इसमें भी दो ऑप्शन है, ऑल ब्रोकर यानी सारे ब्रोकर्स का मिला के कितना कमीशन देना बनता है वो देखने के लिए आपको ऑल ब्रोकर में जाना है। मैं यहाँ पे पीरियड दे रहा हूँ, तो ये यहाँ पे मुझे डिस्प्ले कर रहा है कि राजेश करके जो ब्रोकर है उसकी टोटल कमीशन 6,000 रुपया देनी बनती है और राम करके जो ब्रोकर है उसकी टोटल 14,000 रुपया कमीशन देनी बनती है। अब मैं उसको डिटेल करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वो बिलवाइज दिखाएगा कि राजेश करके जो ब्रोकर है इसकी जो भी इनवॉइसिस हुई है इसकी डिटेल यहाँ पे है कि ये इनवॉइस नंबर, हाँ तो ये जैसे ये इनवॉइस है इनवॉइस नंबर 5 जो 50,000 है उसकी 2% के हिसाब से 1,000 रुपया कमीशन होती है। तो इस रिपोर्ट में से आप ऑल ब्रोकर के बिल वाइज कमीशन देख सकते हो और सब बिल का मिला के टोटल कमीशन कितना है वो भी देख सकते हो और सारे ब्रोकर का मिला के टोटल कमीशन जैसे 14,000 और ये 6,000 यानी 20,000 हो रहा है वो भी देख सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर एक ही ब्रोकर की स्टेटमेंट निकालनी है तो ये ब्रोकर सेल्स में जाके, सपोज मुझे राम ब्रोकर की निकालनी है तो मैं राम ब्रोकर सिलेक्ट करता हूँ और मैं ये पीरियड दे रहा हूँ, तो मुझे पर्टिकुलर उस राम ब्रोकर के कस्टमर वाइज सारे सेल्स दिखाएगा और इंडिविजुअल हर एक सेल्स की कितनी कमीशन है वो भी डिस्प्ले करेगा और टोटल कमीशन कितनी है वो भी डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो इनवॉइस है उस इनवॉइस नंबर 1 वो इनवॉइस है 1,05,000 की, बट उसमें आइटम अमाउंट 1,00,000 है तो वो 1,00,000 का 2% यानी 2,000 रुपया कमीशन डिस्प्ले करेगा। यहाँ से एंटर मार के आप ट्रांजेक्शन को भी ओपन कर के देख सकते हो। तो ये हमने कमीशन रिपोर्ट ऑन सेल्स देखी। अब हम देखते हैं कमीशन रिपोर्ट ऑन रिसीव। उसके लिए आपको ऑन रिसीव में जाना है। अब यहाँ पे मैं एक ब्रोकर सिलेक्ट करता हूँ, राम ब्रोकर, और मैं पीरियड दे रहा हूँ, तो उस पीरियड में और मैं F1 डिटेल बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको डिस्प्ले कर रहा है कि जैसे ये एक राम ब्रोकर है, इसका ये क्लाइंट है कस्टमर, ठीक है, उसने 1 मई को 1,05,000 रुपये का पेमेंट किया था। ये हम आप एंटर मारोगे तो ये आपको रिसीप्ट एंट्री भी डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये जो 1,05,000 रुपया का जो रिसिप्ट है उसका जो ब्रोकरेज अमाउंट है वो 2,000 रुपया है। ये जो 1,05,000 रुपया का जो बिल है उसमें मटेरियल कॉस्ट 1,00,000 थी, तो जो ब्रोकरेज एसेसेबल अमाउंट है वो 1,00,000 पे कैलकुलेट हुआ है, यानी आपको रिसीव्ड हुआ है 1,05,000 बट ब्रोकरेज कैलकुलेशन हुआ है ओनली मटेरियल कॉस्ट पे, आइटम की अमाउंट पे। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो कि ये बिल नंबर 1 जो 1,05,000 था उसका मटेरियल अमाउंट 1,00,000 है, उसका 2% सॉरी उसकी ब्रोकरेज अमाउंट 2,000 है। अब ये जो दिखा रहा है ना रेशियो 95.24%, यानी वो टोटल अमाउंट में से ब्रोकरेज अमाउंट की जो एसेसेबल अमाउंट है उसकी वो रेशियो निकाल रहा है। तो यानी 1,05,000 का 95.24% जो आता है वो ब्रोकरेज की एसेसेबल अमाउंट बनती है और उसका 2% यानी 2,000 रुपया ये ब्रोकरेज अमाउंट दिखाती है। अब जैसे ये दूसरी है कि
सपोज ये जो आपने एंट्री पास किया, ये कस्टमर ने ऑन अकाउंट पेमेंट दिया है, अगर आप ऑन अकाउंट पेमेंट में भी आप कमीशन कैलकुलेशन करना चाहते हो तो भी हो सकता है। तो जैसे ये ऑन अकाउंट का एंट्री है, यहाँ पे आपको नीचे ब्रोकर सिलेक्ट करना है, उसकी कमीशन की एसेसिबल वैल्यू मैन्युअली डालनी है, कमीशन परसेंटेज डालना है और कमीशन अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ऑन अकाउंट के भी अगर आपको कमीशन रिपोर्ट में डिस्प्ले कराना है तो भी वो आ जाएगा। अब एक ये दूसरा ऑन अकाउंट का एंट्री है, जिसमें क्या है कि वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑन अकाउंट एंट्री में आपने कमीशन परसेंटेज की डिटेल नहीं डाली है, तो वो बाद में आप एडिट करके भी कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको एक और ये रिसिप्ट दिखा रहा हूँ कि जैसे ये एक रिसिप्ट है कि बिल अमाउंट था 52,500 रुपीस, उसमें कस्टमर ने 2,500 कसर का काट के 50,000 का चेक दिया था। तो उसका सिंगल रिसिप्ट एंट्री इस तरह से होता है कि कस्टमर के सामने आपने पूरा बिल अमाउंट एडजस्ट कर दिया, ठीक है, और आपको जो ट्रांजेक्शन का ट्रेनिंग वीडियो में जो दिखाया था उस हिसाब से आपने एंट्री किया कि 50,000 रुपये पे ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है और 2,500 जो कसर का है उसके ऊपर ब्रोकरेज कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, और फिर बाद में आप इस तरह से कसर का जो भी लेजर है उसके सामने 2,500 आप एडजस्ट करोगे तो ये फाइनल रिसिप्ट अमाउंट 50,000 आएगा। तो उस तरह से ये यहाँ पे कमीशन रिपोर्ट में दिखाएगा कि रिसिप्ट हुई है 50,000 की, बट उसका जो एसेसेबल अमाउंट है यानी 95.24% 47,620 जो होता है उसका 2% यानी 952 ये जो ब्रोकरेज अमाउंट है। तो आपको इस मॉड्यूल में से आप सिलेक्टेड ब्रोकर का ऑन रिसिप्ट जो कमीशन होना चाहिए वो भी आपको मिलता है, और इसमें आप ऑन अकाउंट पे भी कमीशन में लाना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और ऑन अकाउंट बाद में उस टाइम पे नहीं करना है तो भी कर सकते हो। इसी तरह अगर आपको सारे ब्रोकर का कमीशन रिपोर्ट ऑन रिसीव एक साथ देखना है तो आपको ये वाले ऑप्शन में जाना है, तो आपको सारे ब्रोकर्स का यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ये जो ब्रोकर है राम करके जो ब्रोकर, उसकी रिसिप्ट अमाउंट 3,30,000 है, ठीक है, उसकी ब्रोकरेज एसेसेबल अमाउंट 3,21,432 हुई है और उसकी टोटल ब्रोकरेज है 5,428। आप यहाँ पे एंटर मारोगे तो ये सेकेंड रिपोर्ट, वो वाली रिपोर्ट ओपन हो जाएगी जो हमने पहले अभी देखी, उसको आप F1 करके डिटेल मोड में भी चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो डिटेल मोड में आपको हर ट्रांजेक्शन वाइज कौन सी रिसिप्ट है, कौन सी रिसिप्ट का क्या ब्रोकरेज अमाउंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट में इस तरह से आपको कमीशन के रिपोर्ट मिल रहे हैं, कमीशन ऑन सेल्स और कमीशन ऑन रिसिप्ट। थैंक यू वेरी मच।